हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, यहाँ पर सुबह का टाइम था और माही और ईशु ये वाला गेम खेल रहे थे। आप लोगों में से बताइए कि किस किस ने ये वाला गेम खेला है। मैंने तो बहुत खेला है बचपन में ये वाला गेम। और ये ना अभी पता नहीं इन्होंने क्रॉस क्रॉस करके कुछ किया है। हम लोग अलग थोड़ा सा करते थे, और जो कवेलू का टुकड़ा होता है उससे हम लोग खेलते थे। तो ये इन्होंने, इनको मिला नहीं तो चाबी ले ली गाड़ी की, मेरे बाइक की चाबी है वो, और वो ले ली और उसके साथ ही खेल रहे हैं ये। और जब से इशू आई है ना, तब से माही अच्छे से खेलने लगी है, सुबह उठने लगी है, और उसके बाद ऐसे ही बाहर आते हैं, खेलते हैं बच्चे, तो अच्छा लगता है। और उनके साथ साथ ना अद्विक भी उठ जाता है जल्दी से, तो अच्छा लगता है उनको भी और हमें भी अच्छा लग रहा है कि चलो यार, माही भी खेलने लगी है, अद्विक भी उसके साथ खेलने लगा है। तो इनको पार्टनर नहीं था ना, इसी वजह से वो होता था कि ये, और माही और अद्विक के बीच में इतने ज़्यादा गैप है कि वो एक दूसरे के साथ अच्छे से खेल नहीं पाते हैं, फिर भी वो मस्ती करते रहते हैं वैसे। बट इशू के आने की वजह से माही को पार्टनर मिल गया है खेलने के लिए, तो अच्छा लग रहा है वैसे हमारे घर पे अभी। तो बच्चे जब तक खेल रहे थे तब तक मैंने यहाँ पर रख दी थी अपने लिए और इनके लिए चाय। तो बस इसके बाद हम लोग चाय पी लेंगे और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। मौसम सडनली कितना ज़्यादा चेंज हो गया है ना, उसकी वजह से बच्चों को इतना पसीना आ रहा है, और पसीने की वजह से उनको हो रहा है बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जैसे कि ईचिंग, रेडनेस और रैशेस। इन सारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं अद्विक के लिए यूज़ कर रही हूँ मामाअर्थ का डस्टिंग पाउडर फॉर बेबीज़। और आप सभी को पता है कि मुझे मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मैं अपने बच्चों के लिए मामाअर्थ के ही प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। क्यों इनके प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इनके प्रोडक्ट मुझे इसीलिए अच्छे लगते हैं कि इनके प्रोडक्ट में कोई भी हार्मफुल केमिकल ऐड नहीं होता है, और इनके सारे प्रोडक्ट्स जो है वो केमिकल फ्री होते हैं और ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं। तो इसीलिए मुझे इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है मामाअर्थ का डस्टिंग पाउडर फॉर बेबीज़, ये प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, और वो नेचुरल इंग्रेडिएंट है ओटमील एंड आरारोट। तो ये जो प्रोडक्ट है वो ओटमील एंड आरारोट से बना है, और तो बहुत ज़्यादा सेफ़ है आपके बच्चों के लिए, क्योंकि ये केमिकल फ्री है और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, तो बहुत ज़्यादा सेफ़ है। और ये जो प्रोडक्ट है वो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, नॉन टैल्क है, और इसमें पैराबिन्स जैसे कोई भी हार्मफुल केमिकल ऐड नहीं है, तो इसी वजह से आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ है। और इस टैल्क को आप 0 से 5 ईयर्स तक के बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हो, और इसमें आपको क्वांटिटी 150 ग्राम मिल रही है। और उसमें भी अच्छी बात ये है कि आपको 50% एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इसमें मिल रहा है। अगर इस ब्रांड के बारे में बताऊँ तो ये जो ब्रांड है वो एशियाज फर्स्ट मेडसिप सर्टिफाइड ब्रांड है, और ये जितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं, तो ये बात मुझे इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और अगर आप इस टैल्क को अपने बच्चों के लिए यूज़ करते हो तो आपके बच्चों को कभी रेडनेस नहीं होगी, रैशेस नहीं होंगे। और अगर आपके बच्चों को डायपर आप पहनाते हो तो उससे रैशेस होते हैं, रेडनेस होती है डायपर की वजह से, तो वो भी इससे नहीं होगी। और मौसम ऐसा हो गया है कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो ये टैल्क अगर आप बच्चों के लिए यूज़ करते हो तो इसकी वजह से पसीना भी नहीं आएगा, और पसीने की वजह से जो होने वाले प्रॉब्लम्स हैं वो भी इससे नहीं होंगे, क्योंकि ये जो टैल्क है वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, जैसे कि कॉर्न स्टार्च, ऑर्गेनिक आरारोट पाउडर, सोडियम बेंजोइट, जिंक ऑक्साइड, ओट कॉम, लैवेंडर इसेंशियल ऑयल। इन सारे इंग्रेडिएंट से ये जो टैल्क है वो बना है, और ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, तो इसी वजह से आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपके बच्चों के लिए सेफ है या नहीं है। तो ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है तो आपके बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ है। और इसकी जो प्राइस है वो है 199 रुपीज़, बट अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो कंचन20, तो आपको इस प्रोडक्ट पे मामाअर्थ की वेबसाइट पे एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी मिल जाएगा। और ये प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है मामाअर्थ की वेबसाइट पे, अमेज़ॉन पे एंड फर्स्ट क्राई पे, तो आप वहाँ से इसे ले सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मेरा कूपन कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो कंचन20, तो आपको मामाअर्थ की वेबसाइट पे इस पे एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएगा। अगर इसे परचेस करना हो तो लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। अभी मेरे सुबह के जो काम है वो स्टार्ट हो गए हैं किचन के। मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ पर मैंने नहा लिया था, और बस किचन में आते ही मुझे दिखे बर्तन पड़े हुए, तो मैंने सोचा वो क्लीन कर लेती हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं करने लगी थी फिर खाने की तैयारी, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट के बर्तन थे, चाय के बर्तन थे, तो मैंने सोचा चलो पहले इसके क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट बोल रही हूँ, लंच की तैयारी करती हूँ। तो बस वही करूँगी, अभी ये बर्तन क्लीन हो जाने के बाद लंच की तैयारी करूँगी। और आज बनने वाला है सिंपल सा लंच,
दाल रोटी सब्जी ये सारी चीज़ें। मैं जो आज सब्जी बनाने वाली हूँ उसकी रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी दिन पहले आई थी, एक्चुअली मैं भूल भी गई थी तो, बट अभी सडनली याद आया मुझे कि यार मुझे इसकी रिक्वेस्ट आई है, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो मैं आज बनाने वाली हूँ क्या बोलते हैं झुनका, और किस किस ने झुनका का नाम सुना है ज़रूर बताना कमेंट करके। मराठी हो तो झुनका का नाम तो ज़रूर सुना होगा, झुनका भाकर हमारे यहाँ पे फेमस है, मराठी झुनका का भाकर जो है वो बहुत चाव से खाते हैं, बहुत लोगों को पसंद है। और भाकर पता है किसे बोलते हैं, ज्वारी की रोटी को भाकर बोलते हैं हमारे साइड में, तो झुनका भाकर मतलब होटल में भी मिलती है हमारे यहाँ पे। तो मैं आपके साथ वही झुनके की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और झुनका मैं कैसे बनाती हूँ वही मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पर क्लीनिंग चल रही है मेरी, सबसे पहले वही चलता है यार, मतलब थोड़े से भी बर्तन हो जाए ना तो इतने सारे क्लीनिंग करनी पड़ती है, बस ये बर्तन क्लीन करते रहो बस उसी में टाइम चला जाता है सारा सुबह का। तो बस यही पर क्लीन कर लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा क्लीन हो जाता है ना तो फिर लंच बनाने में अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर वही क्लीन कर लूँगी और उसके बाद लंच बनाने की तैयारी करूँगी। तो सबसे पहले लगाऊँगी दाल, पहले तो दाल लगा दूँगी ना, तो उसके पहले उसके बाद ना फिर वो टेंशन ख़त्म हो जाता है कि चलो यार दाल तो बन गई है अभी एक एक चीज़ बना लेंगे। तो फिर उसके बाद फिर सब्जी बनाऊंगी, तो सब्ज़ी तो आपको पता ही है कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, झुनका बनाने वाली हूँ, और बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत सिंपल है बट बहुत टेस्टी लगती है वो वाली सब्जी। तो पहले दाल लगा दूंगी उसके बाद झुनका बनाऊंगी। एक्चुअली कल रात की कुछ रोटियां बची थी तो मैंने सोचा चलो उसका रोटी का चूरा ही बना लेती हूँ, तो इसीलिए उसकी तैयारी कर रही थी। और आप सभी को आता होगा बनाना, तो पता नहीं इससे पहले भी मैंने बहुत बार शेयर किया है आपको लोगों के साथ, रोटी का चूरा ना मेरे घर पे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब इनको भी और मुझे भी, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बट बच्चों को देने के लिए थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं रोटी का चूरा, क्योंकि क्या होता है कि एक तो बासा होता है, मतलब बासी रोटियाँ होती है, और पेट दर्द होगा या उसके बाद फिर बाकी की प्रॉब्लम हो गई, इसी वजह से हम लोग सोचते कि यार नहीं रहने दे, बच्चों को नहीं देते हैं, बट बच्चों से छुपा के खाना पड़ता है हमें ये। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ इसका, और बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। इसमें मैं आलू भी डालती हूँ कभी कभी, बट आज बहुत जल्दी जल्दी मैं बना रही थी तो आलू भी नहीं डाला, बस प्याज डाला है, पहले ना वो किया है मूंगफली फ्राई की है, तो हर चीज़ में मूंगफली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है हमें, और महाराष्ट्र में सारे लोग मूंगफली डालते ही है सारी चीज़ों में। तो मूंगफली डाल दी, मूंगफली को थोड़ा सा फ्राई कर लिया, उसके बाद जीरा और राई डाल दी, उसके बाद उसे चटकने के बाद प्याज डाल दिया और बेसिक से मसाले डाल दिए, जो लाल मिर्च हल्दी पाउडर धनिया पाउडर होता है वही, और उसके बाद ये जो चूरा है वो डाल दिया, और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और थोड़ा सा पानी ऐड किया है। तो थोड़ा सा पानी ऐड करने से क्या होता है, थोड़ा सा वो नरम हो जाता है अच्छे से, और उसके बाद थोड़ी सी चीनी ऐड की है, चीनी ऐड करने से टेस्ट भी बढ़ जाता है इसका, बहुत टेस्टी लगता है। और इसके बाद थोड़ी देर स्टीम आने के लिए रख दूँगी इसे, और बस बन जाएगा हमारा चूरा। और आज की ये मेन रेसिपी नहीं है, तो ये तो मैंने ऐसे ही बना लिया और फिर इसी वजह से शूट कर लिया था, मैंने सोचा चलो शेयर कर देती हूँ आपके साथ, बट जो अभी बना रही हूँ वो मेन रेसिपी है। तो मैंने यहाँ पर डाला है ऑयल, और उसके बाद ऑयल गर्म हो जाने के बाद राई और जीरा डाला है, जीला बोल रही हूँ, जीरा डाला है, और फिर उसके बाद हींग डाला है उसमें, और फिर जो प्याज काट के रखा था वो डाला है इसमें, और प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन तक होने देना है इसे,
प्याज को अच्छे से चला लेना है, अच्छे से होने देना है। उसके बाद बेसिक से मसाला ऐड करना है, जैसे कि हल्दी पाउडर हो गया, लाल मिर्च पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया, ये सारी चीज़ें, ये बेसिक से मसाले हैं, ये तो सभी चीज़ों में डलते हैं। तो ये मसाले डालने हैं और उसके बाद हमें उसमें ऐड करना है बेसन और थोड़ा सा ना तेल, आपको ज़्यादा चाहिए होगा इसके लिए, तेल आपको ज़्यादा ऐड करना है। तो बस यहाँ पर बेसन मैंने 2 चम्मच ले लिया है, आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर, हम लोग ही खाएंगे तो इसी वजह से मैंने बेसन ऐड किया है, और उसे अच्छे से भूनना है बेसन को, जैसे हम लोग लड्डू वगैरह के लिए नहीं भूनते हैं वैसे, लड्डू के लिए तो बहुत ज़्यादा भूनना पड़ता है, बस इसके लिए तो थोड़ा सा मतलब भूनना पड़ता है, इसके लिए भी अच्छे से भून लेना है बेसन को, ताकि इसकी स्मेल आने लगे, जैसे कि हम लोग सूजी वगैरह भूनते हैं वैसे ही। तो वैसे भून लेना है और अच्छे से भूनना है काफ़ी देर तक, और लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनना है, हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, नहीं तो बेसन जल जाएगा। और उसके बाद अभी आप देख सकते हो भूनना हो गया है बेसन, और यहाँ ना मैंने जब पानी ऐड किया था उसमें, वो क्लिप ही मुझसे मिस हो गई यार, पता नहीं कैसे। तो यहाँ पर ना आपको जब बेसन भून जाता है तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करना है, ज़्यादा एकदम से पानी ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा, और बहुत कम पानी लगता है इसमें, 1 कप थोड़ा सा पानी लगेगा, और बस इस तरह से कंसिस्टेंसी हो जाए इसकी, मतलब आपको सूखा सूखा ही रखना है इसे। और थोड़ा तेल अगर चाहिए हो तो, मैंने थोड़ा सा तेल कम ऐड किया, मतलब मुझे लग रहा था ऐसे, बट आपको अगर लगता है कि आपको ज़्यादा डालना चाहिए तो आप डाल सकते हो थोड़ा सा ज़्यादा तेल। और बस यहाँ पर अच्छे से उसे मिक्स कर लूँगी, मतलब जो नारियल का हमने क्रश करके डाला था उसमें, वो अच्छे से मिक्स कर लिया है, और उसके बाद ढक्कन रख दिया है ताकि उसको स्टीम आ जाए अच्छे से। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ इसको दाल को तड़का, तो मेरी दाल बन चुकी थी, और बस तेल ऐड किया है, जीरा राई ऐड किया है, उसके बाद हींग ऐड किया है, और फिर हरी मिर्च, लाल मिर्च नहीं, कभी कभी लाल मिर्च का भी डाल देती हूँ तड़का। आज मैंने हरी मिर्च काटी थी तो 2 हरी मिर्च काट ली थी, उसका तड़का लगाने जा रही हूँ। तो बस इसे अपने क्या बोलते हैं, दाल में डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और ये बन गई हमारी दाल, और हमारे साइड में वरण बोलते हैं। तो बस उसके बाद ये ड्यूटी से आ जाएंगे, हम लोग खाना खा लेंगे। तो यहाँ पर जो है वह हमारा लंच रेडी है, और यहाँ पर मैंने प्लेट भी निकाल ली है हमारे लिए, तो ये है हमारी प्लेट, और यहाँ पर पापड़ है, झुनका है, अचार है, दही है, रोटी है, आज मैंने ना चावल नहीं बनाए हैं। तो बस यही है हमारा आज का सिंपल सा लंच, और झुनका जो है ज़रूर बना के देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मराठी अगर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, मेरे जैसे ही बनाते हैं या अलग तरीके से बनाते हैं, ये ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे। तो यहाँ पर ये आ गए थे ड्यूटी से, और उन्होंने लाया था आलू और धनिया पत्ता, तो ये मैंने सैनिटाइज़ करके यहाँ पर सुखाने के लिए रखा है। एक्चुअली थोड़ी थोड़ी चीज़ें लाते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है, और अगर ज़्यादा चीज़ें लाते हैं ना तो मुझे, मेरा सारा टाइम उसी में चला जाता है। तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें इनको बोलती हूँ लाने के लिए कि यार थोड़ी थोड़ी चीज़ें लाया करो, मतलब मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, मतलब सैनिटाइज़ करने में और सुखाने में, नहीं तो ज़्यादा चीज़ें लाते हैं तो उसी में सारा टाइम चला जाता है। तो एक्चुअली भैया आने वाले थे इशू को लेने के लिए, पता नहीं है, मतलब जो मेरी जिठानी का छोटा बेटा है ना, ईशू का जो भाई है छोटा, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था घर पे ईशू की वजह से, मतलब ईशू यहाँ पर है इसी वजह से, तो उसे वो चाहिए थी, मतलब बहुत ज़िद कर रहा था उसे बुलाने के लिए घर पे, तो इसीलिए भैया आने वाले थे उसे लेने के लिए, इसीलिए ये दोनों भी बाहर बैठ के भैया का वेट कर रही थी। हाँ, एक कमेंट याद आई मुझे, एक्चुअली पिछले ब्लॉग में जब मैंने इनके गिफ्ट्स दिखाए थे, जो इन्होंने मुझे गिफ्ट दिए हैं बर्थडे पर, वो दिखाए थे, तो किसी ने बोला कि आप इतना शो ऑफ क्यों कर रही हो, आपको इतना शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत है, और किसी ने एक और भी बोला था कि यार इतना पेमेंट तो ऑफिसर को भी नहीं रहता है ये वो। तो मैंने कब कहा यार, 1 महीने की सैलरी इन्होंने मुझ पे उड़ा दी है, और सेविंग नाम की भी कुछ चीज़ होती है लाइफ में, उसी में से उन्होंने वो मुझे गिफ्ट दिए थे, और मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए थे, तो किसी को कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए उसमें। और हाँ, अगर मुझे शो ऑफ ही करना होता तो मैं उसी दिन दिखा देती आपको गिफ्ट्स क्या क्या दिए हैं। मैंने अच्छे से आपको पूछा कि आपको देखना है या नहीं देखना है, बहुत सारे लोगों के कमेंट है कि उन्हें देखना है गिफ्ट्स, तो इसी वजह से मैंने आपको गिफ्ट्स दिखा दिए, और उसमें शो ऑफ करने की कोई तो बात नहीं है, मैं मुझे नहीं लगता कि मैंने शो ऑफ किया है, और आपको अगर लगता होगा तो वो आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम तो है नहीं यार। अगर मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करती हूँ तो ये शेयर कर दिया तो आपको क्यों लग रहा है कि मैंने शो ऑफ किया है या मैं शो ऑफ कर रही हूँ।
गाइज रात के बज रहे हैं 10, हमारा डिनर वगैरह हो गया है और इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। और अभी तक ना मैं श्रद्धा से मिलने गई थी, कुछ काम था मुझे उससे, तो इसीलिए मैं वहाँ पर गई थी अंकल आंटी के घर, तो उसी के साथ बातें करते हुए इतना लेट हो गया और अभी आई हूँ घर पे, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, क्योंकि ब्लॉग को एंड करना मैं भूल ही गई थी, तो ब्लॉग को एंड भी कर देती हूँ। और आपकी रिक्वेस्ट भी थी बर्थडे विश करने के लिए, तो बर्थडे विश भी करने थे मुझे, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो ब्लॉग को एंड कर देती हूँ और बर्थडे विश भी कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी, एक्चुअली उनका बर्थडे चला गया है तो मैंने उस दिन ब्लॉग ही अपलोड नहीं किया था, तो इसी वजह से मैं उनकी कमेंट उस दिन पढ़ ही नहीं पाई। मिनल पाटिल ने कमेंट की थी, उनके बेटे का बर्थडे है 13 जून को और उनके बेटे का नाम है विराज, तो हैप्पी बर्थडे विराज, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विराज। और थोड़ा सा लेट हो गया है आपका बर्थडे विश करने के लिए, बट आप समझोगे क्योंकि मैंने उस दिन ब्लॉग ही अपलोड नहीं किया था। और हाँ विराज, आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले आपकी लाइफ में और आप जो चाहो वो आपको मिल जाए, आपके आगे की लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छे से जाए, तो यही आपके लिए गॉड से प्रे करूँगी आज के दिन। एक्चुअली मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, तो उनके आईडी पे भी दूसरा नाम है मोहद इरफान, तो उनकी बेटी का बर्थडे है, तो उनकी बेटी का नाम है माहिरा, तो हैप्पी बर्थडे माहिरा, माहिरा का बर्थडे है आज और हैप्पी बर्थडे माहिरा डियर, आपकी भी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए, आपको जो चाहे वो मिल जाए और आपकी भी आगे की लाइफ बहुत ही अच्छे से जाए। और एक मेरी सब्सक्राइबर है, उनका नाम है मोनिका फालासवाल, तो उनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे डियर मोनिका, और आपकी भी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए और आपकी भी लाइफ आगे की बहुत ज़्यादा अच्छी जाए और आपको सारी खुशियाँ मिले, आप जो चाहो वो आपको मिल जाए आपकी लाइफ में, तो यही आपके लिए भी प्रे करूँगी। तो चलिए फिर इसके साथ ही व्लॉग को एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए व्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और साथ साथ मेरे दो चैनल और भी है तो उसको भी सब्सक्राइब कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, उसमें से एक मराठी चैनल है मेरा, तो आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और उसके साथ इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, मैं बहुत सारे लिंक आपको बोल रही हूँ, हाँ प्लीज़ चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे लिंक मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करना और वहाँ पर मुझे फॉलो करना। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।